ओम ज्ञान तिमरां दश ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारणं। त्वमेव माता च पिता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की भक्तिर्भवती नष्ट की। ओम शांति शांति शांति। जय गोपाल। आओ मेरे प्रिय बहन भाइयों सत्संग प्रेमी जनों श्रीमद् भागवत गीता के सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता भक्ति रस का पान करवाती है आपको, इसका पान कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए सफल कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को जानिए, उस परमेश्वर की परम सत्ता को पहचानिए। भगवान का वास सर्वत्र है, संत जनों में अधिक रूप से, उनके शुद्ध भक्तों में अति अधिक रूप से है, लेकिन जैसे भगवान ने कहा है कि सभी जगह मैं हूं, तो आप कहां से भगवान को नमस्कार करना शुरू करते हैं, पूजना शुरू करते हैं, भक्ति करना शुरू करते हैं, उनका ध्यान करना शुरू करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। भगवान सर्वत्र हैं। श्याम सुंदर सांवले सुंदर स्वरूप में परम रूप है उनका, बाकी अनंत रूप में भी भगवान ही फैले हुए हैं, भगवान ही वास कर रहे हैं। सकल पसारा है ये सभी, जैसे कहा है कबीर जी ने कहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम जग सकल पसारा अनंत ब्रह्मांड, ये भी राम का स्वरूप है। एक राम दुनिया से न्यारा, और एक राम तो ऐसा है जो दुनिया से न्यारा है। इसलिए भगवान के सुंदर नाम दिए राम कृष्ण विष्णु नारायण गोविंद गोपाल। संत लोग भक्त लोग नामों का जप करते हैं, यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ कहा है भगवान ने। भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन आपके अंदर यदि उनको जानने की देखने की बुद्धि नहीं है और चक्षु नहीं है, ऐसी नेत्र नहीं है उनको देखने के,
उनको पहचानने के, तो आपके लिए कहीं भी नहीं है। यदि आपके पास ऐसे चक्षु हैं, ऐसी शुद्ध भावना है, तो प्रभु हर जगह विद्यमान है। फिर आप किसका तो अपमान करोगे, किसको गुस्सा करोगे, गाली दोगे, किसके प्रति कुल्हाड़ी उठा के वार करोगे, किसको बंदूक चला के निशाना बनाओगे, किसको ब्लास्टिंग करके तोड़ फोड़ मरोड़ दोगे, नष्ट कर दोगे, नहीं किसको भी नहीं कर सकोगे। भगवान को तुम कैसे नष्ट कर सकते हो? भगवान तो नष्ट होते नहीं, ये आत्मा ही नष्ट नहीं होती, फिर भगवान को कैसे तुम नष्ट करोगे? लेकिन भगवान के घरों को बिगाड़ सकते हो, भगवान के शरीरों को बिगाड़ सकते हो, टेम्परेरी रूप से फिर शरीर खड़े हो जाएंगे, फिर घर खड़े हो जाएंगे। किसने किसको मारा है अर्जुन, कौन किसको मार सकता है? यह आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो फिर तकलीफ तुम इतना दे सकते हो, किसी घर को तोड़ दो, किसी के शरीर को तोड़ दो जिसमें वो रह रहा है, तो ब्लास्टिंग करोगे। भगवान सर्वत्र है, प्रेम करो। ब्लास्टिंग क्यों करते हो, क्यों कुल्हाड़ा उठाते हो, क्यों गर्दन काटते हो? भोले प्राणियों की, निर्दोष प्राणियों की, इनके नेत्रों में देखो। कल मैं गुजर रहा था एक सड़क से, एक झुके हुई पेड़ की डाली के ऊपर एक गिलहरी बैठी हुई थी। पता नहीं वो कहां इतनी ध्यान मग्न थी कि उसका पीछे से पीछे आने वाले का ध्यान नहीं था। मैं पीछे से आ रहा था, डाली झुकी हुई है बिल्कुल सड़क के ऊपर, गिलहरी बैठी हुई है, पीठ मेरी तरफ थी, पूछ गिलहरी ने ऊपर की हुई थी, स्क्वायरल। मैंने जिंदगी में पहली बार गिलहरी को स्पर्श किया, मैंने पूछ को नहीं उसकी पीठ को हाथ लगाया, और उसने उसी स्थान पर पलट के मुझे देखा, और उसके नेत्रों में मैंने देखा कि मुझे बोल रही क्या बात है, व्हाट हैपेंड, व्हाई यू टचिंग मी, ही टोल्ड मी दैट। एंड ही गिलहरी जंप किया और पास की दूसरी डाल पर बैठ के मुझे देखती है, बोलो 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 क्या बात है, क्यों मुझे टच करते हो? मैंने कहा सॉरी, मैंने कभी आपको स्पर्श नहीं किया, इसलिए मैंने आज स्पर्श किया, ये मुझे आनंद आया। लेकिन गिलहरी के नेत्रों में ये प्रश्न थे, ये भाषा थी, ये भाषा पहचानता है आदमी, तो क्यों उस गिलहरी को मारेगा? हर प्राणी के जीव है, हर पक्षी के जीव है, हर पक्षी वैसे ही व्यवहार करना जानता है जैसे हम जानते हैं, वो भी प्रेम करते हैं, बच्चों को प्रोटेक्शन देते हैं, पालते हैं, बड़े करते हैं, उड़ा देते हैं, कबूतर अपने बच्चों को बड़े करके पंख निकालने पर उड़ना सिखाते हैं, कबूतर कबूतरी मिल करके उड़ने लग जाते हैं तो वो भी आनंदित होते हैं। बच्चों पे बैठ अंडों पे बैठे रहते हैं, वो भी वही क्रिया करते हैं जो हम करते हैं, उससे तनिक भी नीचे नहीं। उनके पास सिर्फ मस्तिष्क इतना डेवलप्ड नहीं है कि वो भगवान का भजन करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान की सेवा करें, ऐसे हाथ पांव नहीं है। लेकिन हमारे पास है, हमारे पास ऐसे हाथ पांव भी हैं, ऐसे विचार और भावना भी हैं, ऐसे सारे मस्तिष्क के हमारे जो है ऐसे सेल्स हैं जो इस बात को जान सकते हैं कि भगवान को किस प्रकार से पाया जाए, उस आनंद को किस प्रकार से लूटा जाए।
यदि हम चेष्टा करें तो ये हमको भगवान की जानकारी, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। चेष्टा नहीं करें तो हमको कुछ नहीं मिलता है, ये संसार भी नहीं मिलता है। तो आइए आज के सत्संग में भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को, वहां से हम सत्संग प्रारंभ करें। भगवान को पहचानिए, भगवान सब जगह है, कोई जगह ऐसी नहीं है जो भगवान नहीं हो। ये सब चीजें ध्यान से प्राप्त होती हैं, ज्ञान से प्राप्त होती हैं, प्रेम से प्राप्त होती हैं, या सेवा करने से प्राप्त होती हैं। ये भगवान को पहचानने के मार्ग, रास्ते हैं। यदि आप प्रेम करना सीख जाएं तो भगवान का आभास होता है, अनुभव होता है। यदि आप ध्यान करना सीख जाएं तो भगवान का अनुभव होता है। यदि आप भगवान की सेवा करें तो भगवान का अनुभव होता है। यदि आप सत्संग में शास्त्रों का रिलाइज्ड, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका, उनके मुखारविंद से भगवान के प्रति कुछ श्रवण करें तो भगवान का अनुभव होने लगता है। यही मार्ग है भगवान को जानने के, भगवान को पहचानने के। भगवान ने ये इशारे दिए हैं अपने आप को जानने के, अपने धाम को पहचानने के लिए हमको ये सब सलाह दी है गीता के अंदर, किस प्रकार से ये जीव मुक्त होकर के और भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। ये सबसे बड़ा, सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन की, कि आपको परम धाम मिल गया है, परम धाम का वासी बनाने। ये सबसे बड़ा व्यवसाय है आपके जीवन का, कि आपको परम लाभ मिल जाए। और उसके मार्ग बतलाए हैं कि इन इन मार्गों से आपको ये मिल सकता है। भगवान कहते हैं कि त्रै विद्या माम सोम पा पूत पापा, त्रै विद्या माम सोम पा पूत पापा यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते, ते पूर्णम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। भगवान कहते हैं कि बहुत से लोग वेदों में जो दान पूर्ण का महत्व दिया है और स्वर्ग तक जाने के लिए, ऊंचे सुखों को भोगने के लिए जो सलाह दी है, उस सलाह को मानने वाले, वेदों की उस सलाह को मानने वाले, वो भी सलाह एक आदमी को ऊंचे स्तर पर उठाने के लिए ही दी है, पाप कर्मों से बाहर निकालने के लिए दी गई है। ये थोटा प्रलोभन नहीं है, ऊंचे लोक हैं, देवलोक हैं, महलोक हैं, जनलोक हैं, तपलोक हैं, गहलोक हैं, स्वर्गलोक हैं, सत्यलोक है, ब्रह्मलोक, ये सात ऊंचे स्तर इस ब्रह्मांड में ऊंचे लोकों के हैं, सात नीचे के स्तर के लोकों के हैं, तल वितल सुतल तलातल रसातल इत्यादि। ये 14 भुवन बोला है इनको, तीन लोक में ये 14 भुवन है, तो सात डिविजन्स ऊपर को हैं और सात डिविजन्स नीचे को हैं। स्वर्ग लोक में एक ही नहीं, कई लोक हैं, कई धाम हैं, कई प्लैनेट्स हैं। स्वर्ग लोक, वो स्वर्ग लोक एक स्तर का नाम है, वहां का राजा इंद्र है। ऐसे जनलोक है, महलोक है, गहलोक है, तपलोक है, ये सब ऊंचे लोक हैं। ये अपने अपनी तपस्याओं से, पूर्ण कर्मों से प्राप्त होते हैं। ये सब चीजें वेदों में लिखी हैं, वेद इस बात को बतलाते हैं। तो पूर्णम असाध्य, जो असाध्य पूर्णों से जो मिलते हैं, बड़े भारी पूर्ण कर्म करने से जो देवलोक मिलते हैं, स्वर्गलोक मिलता है, वो पद्धति भी वेदों में बतलाई है। तो ये पद्धति बुरी तो नहीं है,
क्योंकि जिन लोगों की संसार को भोगने की अभिलाषाएं बाकी हैं और बड़ी बड़ी अभिलाषाएं हैं, उनको कहा गया है कि तुम बुरे कर्मों में मत उतरो, इन अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए, ये इंद्रिय तृप्ति के लिए। तुम अच्छे कर्म करो तो ऊंचे लोक मिलेंगे, तो वहां पर जाके आपको बहुत अत्यधिक सुख भोग मिलेगा, तो तुम्हारी इच्छा पूरी कर लोगे। तो नीच कर्मों से बच जाओगे वरना नीचे को चले जाओगे। तो पुण्य कर्म करो, दान करो, वरुण देव की पूजा करो, अग्निदेव की पूजा करो, इंद्रदेव की पूजा करो, कामदेव की पूजा करो, जलदेव की पूजा करो, वरुण देव आ गए के मुख्य जलदेव के जो इंचार्ज हैं, अधिपति हैं वरुण देव, तो इन देवताओं की पूजा करो, इनको प्रसन्न करो। ऐसे पूर्ण कर्म करो, हवन करो, दान करो, पूर्ण करो, और ध्यान रखो कि, और प्रार्थना करो कि हमको हे इंद्रदेव आपका लोक चाहिए, स्वर्ग लोक चाहिए। तो आप अगर परिपक्व हो गए ये पूर्ण कर्म करते करते, दान धर्म कर्म करते करते, और आपका लक्ष्य है स्वर्ग लोक में जाने के लिए, तो आप चले जाएंगे। ये त्रैविद्या, ये तीन विद्या जो है, साम यजुर और साम यजुर और ऋग्वेद, ये तीन वेद जो है सिखाते हैं इस विद्या को। इनमें ये विद्या मिलती है कि किस प्रकार से आप जा सकते हो स्वर्ग में, ऊंचे लोकों में। भगवान कहते हैं कि त्रैविद्या माम, ये जो मेरी तीन विद्या रूपी वेद है, सोमपा पूत पापा, पवित्र लोगों को सोमपान करने के लिए आकर्षित करती हैं कि चलो भाई ऐसे पवित्र काम करो, ऐसे पूर्ण कर्म करो जिससे हमको देवलोक मिल जाए। तो परिपक्व अवस्था आ जाए तो यह शरीर छोड़ करके देव शरीर मिल सकता है, संदेह नहीं है। तो सोमरस का पान करो, सोम पापा पूत पापा, सोम पाह पूत पापा, पूत यानी पवित्र, पापों से मुक्त होकर के पूर्ण कर्म करो, पाप करना छोड़ दो। तो आप सोमरस का पान करेंगे, देवता लोग सोमरस पीते हैं, यहां लोग आप रम पीते हैं, विस्की पीते हैं, बियर पीते हैं, ये उस सोमरस के आगे बहुत 100 डिग्री नीचे है, जेड ग्रेड है, समझिए कुछ नहीं। देवता लोग इसको नजदीक भी नहीं आने देते। सोमरस कुछ ऐसा होगा जिसके पीने से मुंह में बड़ी खुशबू आती हो और ये दुनिया 7 रंग की दिखाई देती हो, रंगीन, और भोग करने के लिए आप हृष्ट पुष्ट नजर आते हो। अप्सराओं के साथ भोग कर कीजिए, स्वर्ग की अप्सराएं मिल जाएंगी आप, यानी हजारों गुना अधिक पृथ्वी से वहां ऊंची भोग सामग्रियां आपको मिल जाएंगी, उपलब्ध हो जाएंगी। तो वहां अपनी इच्छाओं पूर्ण करो, लेकिन देवता जैसा भोग करते हैं वैसे भोग आपको मिलेंगे, जैसा भोग इंद्र करता है ऐसे ही भोग मिलेंगे वहां। क्यों नहीं मिलेंगे? अगर पृथ्वी पर यदि कोई देश का सम्राट भोग कर रहा हो, वो भोग प्रजा भी तो कर सकती है, उसका वजीर भी कर सकता है, कोई धनाढ्य आदमी भी कर सकता है, कोई प्रजा भी कर सकती है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो वहां जाने पर आपको देवताओं के जैसे भोग मिलेंगे, देवताओं का जैसा शरीर मिलेगा जिसमें लाखों वर्ष की उम्र हो, 1000 लाख वर्ष की उम्र हो। त्रैविद्या माम सोम पाह पूत पापा यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ति। तो लोग यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, प्रार्थना करते हैं देवताओं से कि हमको स्वर्ग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हे इंद्र देवता इदन्न मम स्वाहा, ये आहुति तुम्हारे लिए है इंद्रदेव, मेरे लिए नहीं,
मुझे हाथी दो, घोड़ा दो, दासी दो, दास दो, अप्सरा दो, सोमरस दो, स्वर्ग दो, देवताओं का शरीर दो, सब उसमें प्रार्थना है। प्रार्थना करते स्वाहा वरुण देव, हे वरुण देव, ये आहुति तुम्हारी है, मेरी नहीं, तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे ये दो वो दो सारी। तो हजार गुना आप ज्यादा भोग कर लो, या छोटे भोग कर रहे हो, वहां बड़े भोग कर लो। त्रैविद्या माम सोम पाह पूत पापा यज्ञरिष्ट्वा, जो यज्ञों के यज्ञ को ही इष्ट देवता मानते हैं, यज्ञों में ही जिनकी रुचि है दान पुण्य कर करके स्वर्ग में जाने की, देवताओं का यज्ञ करते हैं, वरुण देव का, चंद्र देव का, इंद्र देव का, अग्निदेव का, वायुदेव का, स्वर्ग गति और स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं। ते पूर्णम आसाद्य सुरेंद्र लोकम, तो स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं जो पूर्णों से, पूर्णों के साधन करने से, पूर्ण रूपी दान रूपी यज्ञ रूपी साधन से जो प्राप्त हो जाते हैं वो स्वर्ग लोकों में पहुंच जाते हैं। अश्नंति दिव्यान देवी देव होगा, वहां पर दिव्य भोगों को करते हैं, देवताओं के भोगों को वो भी करते हैं जैसे देवता भोग करते हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये स्वर्गलोक क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रिधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन जब ये देवलोकों को प्राप्त कर लेते हैं, देवताओं के शरीर को प्राप्त कर लेते हैं, भोग विलास करते हैं हजारों लाख वर्ष तक, लेकिन जब इनके भोग करते करते पूर्ण क्षीण होते हैं, जैसे कार चलाते चलाते आपकी कार का क्या क्षीण होता है, पेट्रोल, पेट्रोल क्षीण होता है, गैस क्षीण हो जाती है, तो क्षीण हो जाती है तो क्या करते हैं आप, क्षीण हो जाती है तो गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है, सड़क के साइड में खड़ी कर देते हैं, धक्का मारे तो थोड़ी बहुत चलती है, नहीं नहीं चलती। ऐसी वो हालत है जब इनका पेट्रोल खत्म हो जाता है देवलोकों में, वो पूर्णों का पेट्रोल, पूर्णों रूपी पेट्रोल, पूर्ण जब क्षीण हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, विशाल स्वर्गलोक को और स्वर्गलोक के भोगों को भोगते भोगते जब इनके पूर्ण क्षीण हो जाते हैं तभी मृतलोक में वापस गिर जाते हैं, तो वापस ये धराधाम में आते हैं, फिर ये मनुष्य के जैसे शरीर में आते हैं, कभी कभी तो वहां से गिरने वाले वृक्षों की योनि में आ जाते हैं, सुअर की योनि में आ जाते हैं, मनुष्य की योनि में तो जरूर आ ही जाते हैं, मृतलोक में गिर जाते हैं, देवलोकों से गिर जाते हैं, वापस गिर जाते हैं, फिर वापस मनुष्य योनि में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, फिर वही वेदों का सहारा लेते हैं, फिर वही हवन पूर्ण दान करते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर गिरते हैं। बोलो ये आवागमन इनका भी लगा ही रहता है, ये भी एक तरह के आसक्त लोग हैं स्वर्ग के और वेदों के कर्म कांड के, दान पूर्ण के, अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए दान पूर्ण करके बड़े भोग मांगते हैं। ऐसे ये जैसे कोई माला पहना के और नारियल तोड़े गणेश जी के आगे और कहे कि गणपति बापा सब आनंद है, सब कुछ दिया आपने, एक मारुति कार और दे दो, यही है बस, मारुति कार भी दे देता है गणेश जी, फिर क्या होगा, मारुति ब्रेक डाउन हो जाएगी, फिर जाके पैदल चलना पड़ेगा, फिर आगे फिर गणेश जी को माला लेके आओगे, फिर नारियल तोड़ोगे, फिर दूसरी मांगोगे, कुछ और मांगोगे, मर्सिडीज मांगोगे, लेक्सस मांगोगे, इम्पाला मांगोगे। तो कहते गतागतम काम कामा लभन्ते, तो इस स्वर्ग लोगों के जो प्रेमी लोग हैं यज्ञ यज्ञ दान पूर्ण कर करके इनको वो क्रिया हाथ लग गई, तो स्वर्गलोक जाते वह भोग करके
और फिर इनके पूर्ण क्षीण होते हैं तो फिर नीचे गिरते हैं, फिर वापस वेदों का सहारा लेके फिर वही कार्य करने लगते हैं। बोले गतागतम गतागतम, जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, ये भी ये भौतिक संसार के झूले में झूलते रहते हैं, कभी अमृत लोक में आ जाते हैं, कभी स्वर्ग लोक में चले जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, गतागतम होता रहता है इनका। मुक्त नहीं होते, मोक्ष इनको नहीं मिलती, आध्यात्मिक जगत इनको नहीं मिलता, वैकुंठ जगत भी नहीं मिलता, ब्रह्म ज्योति भी नहीं मिलती इनको, तो भौतिक संसार के स्वर्ग लोक से लेके मृत लोक तक, और कभी अपराध हो जाए तो इनको स्वर्ग की योनि में भी जाना पड़ जाए, वृक्ष की योनि में भी जाना पड़ सकता है, थोड़ा खतरा भी है उसमें, वरना भोग विलास तो है ही, इससे इनकी मोक्ष नहीं होती, मुक्ति नहीं होती। ये कर्म करते हैं लेकिन फल मांगते हैं वापिस, वो भी सांसारिक फल, इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग मांगते हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुणे मर्त लोकम विशंति एवं त्रय धर्मम अनुपपन्ना गतागतम काम कामा लवंते। और ये भोग विलासों की कामनाओं को लिए हुए और ये गतागतम जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, ये इनकी स्थिति रहती है। ये समझाया भगवान ने अर्जुन को, अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वाम्यम। भगवान ने कहा कि लेकिन जो भक्त जो जन मुझे अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, नित्य युक्त होकर मेरी भक्ति करते हैं, अनन्य चेता न अन्य, मेरा भाई बोलती हैं मेरो तो गिरधर गोपाल, अरे मैया मेरा तो एकमात्र गिरधर गोपाल ही है सब कुछ, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मैया मेरो तो गिरधर गोपाल जाके सर पे मोर मुकुट, मेरा तो पति सोई मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल असवन जल सींच सींच भक्ति बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फलोई, मैया मेरो तो गिरधर गोपाल संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो आओ संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, हाँ तात मात भाई बंधु आपनो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, हे माँ मेरा तो एक ही जगह मन है मेरे गिरधर गोपाल के चरणों में, मैंने मेरे प्रेम भरे आंसुओं से भक्ति लता भक्ति बेल बोई है, अब तो इस बेल में इस लता में सुंदर सुंदर मीठे फल आने लगे हैं, आ अब तो बेल फैल गई आनंद फल हो आनंद रूप।